केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। शाह आज नक्सलियों के गढ़ जगदलपुर में हो रहे सीआरपीएफ के 84वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे। अमित शाह रात को ही यहां पहुंच गए थे। सीआरपीएफ पहली बार छत्तीसगढ़ में स्थापना दिवस मना रहा है और इस मौके पर अमित शाह की मौजूदगी, क्योंकि अगर हम देखें तो नक्सलियों का प्रभाव तो वहां पर कम हुआ है, लेकिन आज सीआरपीएफ का 84वां स्थापना दिवस है। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। आज अमित शाह नक्सलियों के गढ़ जगदलपुर में हो रहे सीआरपीएफ के 84वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे। अमित शाह रात में ही वहां पर पहुंच गए हैं। सीआरपीएफ पहली बार छत्तीसगढ़ में स्थापना दिवस मना रहा है। आज भगवती कुष्मांडा का शुभ नवरात्रि का पवित्र दिन है। इस ब्रह्मांड को तो अपनी मात्र हंसी से ही प्रकट कर देती है अदम्य शक्ति संपन्न और भक्तों को मनोवांछित वर देने वाली भगवती कुष्मांडा भक्तों के सभी मनोरथ यूं ही पूर्ण कर देती है। आज के दिन नहा धोकर शुद्ध वस्त्र पहनकर मस्तक पे तिलक लगाकर भगवती का ध्यान करें इस मंत्र से, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ओम कुष्मांडा देवेय नमः। ये अद्भुत मंत्र भगवती का प्रेम, भगवती का आशीर्वाद शीघ्र ही दिलाने लगता है। आज्ञा चक्र पे इस मंत्र का यदि जाप किया जाए, यानी दोनों नेत्रों के बीच में, तो फिर आपके ऊपर विशेष कृपाएं होने लगती हैं और इस कृपाओं का आनंद तो तब और भी बढ़ जाता है। एक लाल रंग की चुनरी आज के दिन भगवती के ऊपर भगवती को चढ़ा दीजिए। भगवती आपके परिवार पर आई हुई समस्त विपत्तियों से आपकी रक्षा भी करती है। ये नया इंडिया, नए नजरिए का इंडिया, जहाँ लोगों का नंबर वन भरोसा बनता है वो, जो उनके मुद्दे उनकी आवाज निडर होकर उठाता है, लोगों की नंबर वन पसंद बनता है वो, जो सिर्फ रफ्तार नहीं जिम्मेदारी पर भी विश्वास रखता है, देश का नंबर वन न्यूज चैनल बनता है वो, जो देश हित और जनहित दोनों को सर्वोपरि समझता है। न्यूज 18 इंडिया। विपक्ष की पार्टी है कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना की जितने एमएलए हैं वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी तरह जयपुर में भी कांग्रेस ने राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म होने के खिलाफ प्रदर्शन किया, जिसमें राज्य के कई मंत्री शामिल हुए। लोकसभा अध्यक्ष पहला देखा है जो बीजेपी का कार्यकर्ता बनकर काम कर रहा है। राहुल गांधी के समर्थन में यूपी के मथुरा में भी कांग्रेस के समर्थकों ने सड़क पर उतरकर विरोध जताया।